That's one before editing and that's one after editing. क्यों एडिटिंग देख के चौक गए ना? तो तुम्हारा भाई किस लिए बैठा हुआ है इधर? आप लोगों का इजी ट्यूटोरियल देने के लिए बैठा हुआ है। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन द फर्स्ट स्टेप आप लोगों को आना पड़ेगा स्नैपसीड एप्लीकेशन पे। उसके बाद फोटो को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा ट्यून इमेज पे, एडिट पे जाके। एंड ट्यून इमेज पे जाने के बाद सीधा आना पड़ेगा सैचुरेशन पे। सैचुरेशन पे आके -100 तक कर लेंगे सैचुरेशन को पूरा। एंड देन इधर से राइट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक और बार व्यू एडिट पे जाएंगे और व्यू एडिट पे जाने के बाद ट्यून इमेज पे जाएंगे। ट्यून इमेज पे जाने के बाद फिर से एडिट वाला ऑप्शन जो है रिलेट के पास, उसको क्लिक करेंगे। एंड देन इसको राइट एरो को क्लिक करते हुए हम लोग ट्यून इमेज पे जाएंगे और सिर्फ जिस पोर्शन को कलर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पोर्शन का कलर को सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। एंड देन स्क्रैच करते जाइए। मैं भी जल्दी जल्दी से कलर को स्क्रैच कर लेता हूँ। आप भी जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे विजिट बहुत कोई होता भाई, लेकिन लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब का कोई नहीं दबाता। शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट ब्रो। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, जो भी न्यू व्यूअर्स है। एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर एडिटर जो अभी अभी एडिटिंग सीख रहा है। बहुत ही अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल पे विजिट होके प्लेलिस्ट पे जाके लाइटरूम का ट्यूटोरियल, पिक्सेट का ट्यूटोरियल, स्नैपसीड का ट्यूटोरियल सभी चेक कर सकते हैं। उधर फ्री का ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहो और नए नए अमेजिंग एडिटिंग आप लोग सीखते रहो। टी शर्ट का कलर कुछ इस तरीके से लाने के बाद अगर कोई आउटलाइन आ गया उसको 100 तक ट्यून इमेज को बढ़ा के आउटलाइन को रिमूव कर सकते हो और फिर से 0 ट्यून पे ला के कलर को कुछ इस तरीके से ठीक कर सकते हो। एडिटिंग हो जाने के बाद आप लोग इधर पे जाके व्यू जो आई मोड है उसको क्लिक करते हुए आप देख सकते हो किधर कलर अभी तक बाकी है, उधर पे जाके फिर से कलर कर सकते हो। फर्स्ट ट्यून इमेज का काम इधर से फिनिश हो जाने के बाद हम लोग बैक आएंगे और बैक आने के बाद फिर से सेकंड पर जाएंगे ट्यून इमेज पे। इधर से ब्राइटनेस को डिक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट जो है कॉन्ट्रास्ट को भी इधर से इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे +7 तक, एम्बियंस जो है एम्बियंस को भी डिक्रीज करेंगे और उसके बाद हाईलाइट आएगा, हाईलाइट को भी डिक्रीज करेंगे। शैडो फैक्टर को थोड़ा बहुत डिक्रीज करेंगे -26 तक। एंड देन इधर से राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक कर लेने के बाद थर्ड स्टेप आएंगे हम लोग विग्निटी पे। एंड देन विग्निटी पे आने के बाद राउंड सर्कल को कुछ इस तरीके से हम लोग फैलाएंगे। एंड देन आउटलाइन जो है आउटर ब्राइटनेस उसको -100 तक कर लेंगे और हमारा फोटो इधर रेडी है। आप देख ही सकते हैं कितना इजी तरीके से मैंने एडिट करके दिखाया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना वीडियो आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।